आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा जिले के 6 थानों में नशीली कप सिरप सहित गांजे के कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। एसपी के निर्देश पर शाहपुर, नईगढ़ी और लौर सिविल लाइन पुलिस द्वारा नशीली कप सिरप के 7 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चाकघाट पुलिस द्वारा गांजा सहित कारोबारियों को पकड़ा गया है, जबकि मनगांव पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली कप सिरप के साथ गांजा सहित नशे के कारोबारी रघुनाथगंज निवासी दिनेश गुप्ता के घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले के थाना प्रभारियों द्वारा की गई 1 साथ नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब मादक पदार्थों के कारोबारियों के अंदर हड़कंप मच गया है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के समस्त थाना प्रभारी को मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशीली कप सिरप का कारोबार जिले में तेजी से फैल रहा था, जिसे जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नशीली कप सिरप से संबंधित व्यक्ति का घर और जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। युवा पीढ़ी इस नशे का तेजी से उपयोग कर रही है, जिसे रोकने का प्रयास हमारी पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है।